हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टॉप 10 क्लासेज के क्रैश कोर्स में। जैसा कि गाइस, अगला टॉपिक जो अगले हम पढ़ चुके थे वह है अंड जनन और शुक्र जनन। गाइस, अब हम लोगों का जो टॉपिक है वह है डीएनए का रिप्लिकेशन। गाइस, आप सब जानते होंगे डीएनए से एमआरएनए, फिर एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। और गाइस, एक स्थितवा भी आती है डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। तो गाइस, अब हम लोगों का जो टॉपिक है वह है डीएनए से डीएनए का निर्माण। डीएनए से डीएनए का निर्माण मतलब डीएनए का प्रतिकृतियन। गाइस, डीएनए से डीएनए का निर्माण प्रतिकृतियन के द्वारा होता है, प्रतिकृतियन। और डीएनए से एमआरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होता है, अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होता है। और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण स्थानांतरण, ट्रांसलेट के द्वारा होता है, स्थानांतरण, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट के द्वारा होता है। तो गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए से डीएनए का प्रतिकृतियन। तो गाइस, अब हम लोगों का हेडिंग है डीएनए से डीएनए का प्रतिकृतियन, डीएनए से डीएनए का बनना। गाइस, डीएनए से डीएनए का बनना सेंट्रल डोग्मा कहलाता है, सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा। इसकी खोज वाटसन व फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वाटसन व क्रिक, फ्रांसिस क्रिक, गाइस, डीएनए से डीएनए का बनना सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। सेंट्रल डोग्मा का खोज वाटसन, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक किए थे। तो गाइस, अब आइए हम लोग डीएनए से डीएनए का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गाइस, डीएनए से डीएनए के बनने के लिए चार हार्मोन्स व एक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। डीएनए से डीएनए का बनने के लिए चार हार्मोन्स और एक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो गाइस, आइए अब हम लोग बारी बारी से उसका अध्ययन करते हैं। पहले हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं, डीएनए द्विकुंडलित मॉडल का। गाइस, ये हम लोगों का हो गया डीएनए ए व डीएनए बी। गाइस, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ये द्विरुज्जकीय है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और एक मुड़ाव में पांच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो गाइस, यह हो गया, इसमें भी बना देते हैं बांड को, हाइड्रोजन बांड। गाइस, आप लोगों को बता दें कि जो डीएनए में एडेनिन व थाइमिन के बीच पाया जाता है वह डबल बांड होता है, और जो साइटोसिन व ग्वानिन के बीच पाया जाता है वह हाइड्रोजन का ट्रिपल बांड होता है। गाइस, जो एडेनिन वह थाइमिन के बीच पाया जाता है वह डबल बांड होता है, और जो साइटोसिन व ग्वानिन के बीच पाया जाता है यह ट्रिपल बांड होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। गाइस, अब हम लोग डीएनए का रिप्लिकेट कर रहे हैं, डीएनए को रिप्लिकेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेलिकेज नामक हार्मोन्स को भेजेंगे, हेलिकेज,
गाइस ये हेलिकेज हार्मोन्स गया और जो यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है यह हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। गाइस डीएनए का आकार ऐसे लिपटा हुआ होता है, डीएनए का आकार लिपटा हुआ होता है तो पहले हम लोग हेलिकेज नामक एंजाइम को स्रावित करेंगे जो यहाँ पर जाकर यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको जाकर तोड़ेगा। गाइज अब मान लीजिए यहाँ पर इतना हाइड्रोजन बॉन्ड था, यहाँ पर यह तोड़ दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा है। तोड़ने के पश्चात जैसे गाइज रस्सी होती है जब वो ऐठी हुई होती है, जब उसे हम लोग खोलते हैं तो ऊपर वाले भाग में मतलब वह ज़्यादा ऐठ जाता है, ऊपर वाले भाग में ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो गाइज यह भी ऐठा हुआ है, जब हम लोग इसे खोलेंगे तो यहाँ पर जो ऊपरी भाग है इसमें ऐठन ज़्यादा होगा तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो प्रेशर को कम करने के लिए, प्रेशर को संतुलित करने के लिए यहाँ पर गाइरेज नामक हार्मोन स्रावित होता है। गाइरेज या इसे हम लोग बोलते हैं टोपियो आइसोमरेज, टोपियो आइसोमरेज, टोपियो आइसोमरेज। गाइज यहाँ पर अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है तो यहाँ पर जो है प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा, प्रेशर में इंक्रीज होगा तो इसे प्रेशर को संतुलित करने के लिए यहाँ पर गाइरेज नामक हार्मोन स्रावित होगा, गाइरेज नामक हार्मोन स्रावित होगा और जो है हेलिकेज या हेलिकेज यहाँ पर जाएगा और यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रोक करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। फिर इसके पश्चात गाइज अब यह हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया और यह प्रेशर को कंट्रोल कर लिया। अब इसके पश्चात जो हम लोगों का नेक्स्ट संरचना बनता है यह है गाइरेज। यह है गाइरेज। इसके पश्चात गाइज अब हम लोगों का जो नेक्स्ट संरचना है गाइज यह हो गया हम लोगों का डीएनए। यहाँ पे इसका जितना रिप्लिकेट करना है वह उतना हाइड्रोजन बॉन्ड को हटा दिया। अब इसके पश्चात यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड को हटा दिया तो अब यहाँ पर केवल एक रज्जु ही बनेगा, अब यहाँ पे केवल एक ही श्रृंखला बना जिसे हम लोग बोलते हैं यस यस बी पी, सिंगल स्ट्रैंड बॉन्ड प्रोटीन, बॉन्ड प्रोटीन। गाइज यह है सिंगल स्टैंड बॉन्ड प्रोटीन जो यह एकल रज्जुक है। अब यह हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, एक रज्जुक इधर बना, एक रज्जुक इधर बना तो इसे हम लोग सिंगल स्टैंड बॉन्ड प्रोटीन कहेंगे। तो गाइज जो हम लोगों का यहाँ पे अब यहाँ पे एकल रज्जुक है इसे हम लोग सिंगल स्टैंड बॉन्ड प्रोटीन बोलेंगे। तब इसके पश्चात अब यहाँ से एक नवनिर्मित रज्जुक का निर्माण होगा जिसकी ध्रुवता 5-3 होगा और इधर यह टूटा हुआ होगा। अब यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज आया, अब यहाँ पे इसको निर्माण किसने किया, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। गाइस अब यहाँ पे जो एकल रज्जुक है अब यहाँ से डीएनए के दूसरी इसे हम बोलेंगे नवनिर्मित रज्जुक, नवनिर्मित रज्जुक और यह जो हम लोगों का है इसे हम लोग बोलेंगे मातृरज्जुक, यह है मातृरज्जुक। गाइस यह हम लोगों का मातृरज्जुक और यह हम लोगों का नवनिर्मित रज्जुक। अब यह नवनिर्मित रज्जुक इधर तो असतत है लेकिन इधर यह सतत है तो अब इसे इसे जो है जोड़ने के लिए, इनको ऐड करने के लिए लाइगेज नामक हार्मोन स्रावित होगा, लाइगेज इनको ऐड करने के लिए अब यहाँ पर लाइगेज नामक हार्मोन स्रावित होगा। गाइस पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो डीएनए में पाया जाता है उसको तोड़ने के लिए हम लोग हेलिकेज को स्रावित किए,
अब हेलिकेज जब स्रावित हुआ जो वह रस्सी नुमा है, जब खुलेगा तो ऊपर एठन होगा, एठन होने से ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, तो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर गायरेज नामक हार्मोन स्रावित हुआ। अब इसके पश्चात जब यह गायरेज हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन बांड टूटा, तो जो यह है मात्र जो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे प्रोटीन के खंड आ जाते हैं जिसे आप लोग बोलते हैं SSBP स्टैंड बॉन्ड प्रोटीन, इसे स्टैंड सिंगल स्टैंड बॉन्ड प्रोटीन इसे बोलते हैं। फिर इसके पश्चात अब हम लोगों का नवनिर्मित DNA का निर्माण शुरू हो गया। अब यहाँ से एक नवनिर्मित DNA हुआ जिसकी ध्रुवता 5-3 है। फिर यह इधर असतत है और इधर सतत है, इधर सतत है, इसकी भी यही ध्रुवता 5-3 होगा। इधर यह सतत है, इसको जोड़ने के लिए लाइगेज नामक हार्मोन स्रावित हुआ। तो गाइस यह हम लोगों का पूरा DNA का रिप्लिकेशन का प्रक्रम है। तो गाइस इसमें टोटली 1, 2, 3, 4 तो गाइस DNA से रिप्लिकेशन में यहाँ पर फोर हार्मोन्स व एक प्रोटीन। गाइस यहाँ पर फोर हार्मोन्स व एक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। DNA से DNA बनने में फोर हार्मोन व एक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। DNA से DNA बनने का प्रक्रम सेंट्रल डोगमा कहलाता है। इसका खोज, इसके बारे में अध्ययन वाटसन व फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक किए थे। इसमें पहले हम लोगों का जो होता है हेलिकेज या हाइड्रोजन बांड को तोड़ता है, गायरेज या प्रेशर को झेलता है, फिर इसके पश्चात यह जो है DNA पॉलीमरेज नए रज्जु का निर्माण करता है, फिर यह लाइगेज जो होता है यह टूटे हुए रज्जु को जोड़ता है, फिर इसके पश्चात एक सिंगल स्टैंड बांड प्रोटीन होता है जिसे हम लोग शॉर्ट में SSBP बोलते हैं। तो गाइस पहला जो है हम लोगों का हेलिकेज या ब्रोकन हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर गायरेज जो हम लोगों का गायरेज है यह प्रेशर को संतुलित बनाएगा, यह प्रेशर को संतुलित बनाएगा, फिर जो DNA पॉलीमरेज है, जो हम लोगों का DNA पॉलीमरेज है यह न्यू टेम्पलेट का निर्माण करेगा, न्यू टेम्पलेट यह नए टेम्पलेट का निर्माण करेगा। फिर इसके पश्चात जो हम लोगों का लाइगेज है, इसके पश्चात जो हम लोगों का लाइगेज है यह जो टूटे हुए DNA के खंड है इसे जोड़ेगा, एड द पार्ट ऑफ DNA। गाइस यह जो लाइगेज है यह DNA के टूटे हुए पार्ट को जोड़ेगा, और जो हेलिकेज है यह हाइड्रोजन बांड को तोड़ेगा, गायरेज यह प्रेशर को संतुलित करेगा, DNA पॉलीमरेज यह नए रज्जु का निर्माण करेगा, और जो लाइगेज है यह प्रेशर को नहीं, यह DNA के पार्ट को जोड़ेगा, जो यहाँ पे सतत है इसे असतत करेगा। तो गाइस अब हम लोग इसे याद कैसे करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक है, इसके लिए एक ट्रिक है, हे गणेश पानी ला, हे गणेश पानी ला, हे से हम लोगों का हो जाएगा हेलिकेज, हे से हेलिकेज, जी से गायरेज, गायरेज या इसे हम लोग बोलते हैं टोपियो आइसोमरेज, टोपियो आइसो मरेज, फिर इसके पश्चात गाइस पी से हम लोगों का आ जाएगा DNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज, फिर
एल से हो जाएगा लाइगेज, लाइगेज। फिर और एक प्रोटीन है हम लोगों का एस एस बी पी, सिंगल स्टैंड बॉन्ड प्रोटीन। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का ट्रिक याद करने का, हे गणेश पानीला, हे से हेलिकेज, जिसे गाइरेज, जिसे हम लोग टोपियो आइसोमरेज बोलते हैं, और पी से हो गया डीएनए पॉलीमरेज, और एल से हो गया लाइगेज, और एक इसमें होता है प्रोटीन जिसे हम लोग बोलते हैं एस एस बी पी, सिंगल स्टैंड बॉन्ड प्रोटीन। तो गाइस डीएनए से डीएनए बनाने में टोटली 4 हार्मोन व 1 प्रोटीन की आवश्यकता होती है, टोटली 4 हार्मोन व 1 प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।